हेलो एवरीवन, कसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो ट्रिक थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। और इस ट्रिक को अच्छे समझना है क्योंकि 30% क्वेश्चन बच्चों के रॉन्ग या नहीं बन पाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते ही नहीं हैं। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक्स में तीन टाइप के हो सकते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। बहुत ईजी है। ओपन मतलब क्या हो सकता है कि मास का भी एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग में, और एनर्जी का भी, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं तो ओपन सिस्टम बोलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो एक पार्ट ओपन करके दिखाया, राइट। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो अब मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, मास अब एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग में, बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो ये ध्यान रखना है, मास यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता। आइसोलेटेड में अब मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो वेरी सिंपल है ये, हमें कैसे पता लगेगा, तो सम ऑफ द वर्ड यूज कर सकता है, जैसे सील्ड एंड रिजिड कंटेनर एंड इंसुलेटेड वर्ड, तो ये दो वर्ड यूज कर दिया, मतलब आइसोलेटेड बोलना चाह रहा है वो। तो इसलिए ध्यान से समझना है, हमारे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होंगे वो क्लोज सिस्टम से रिलेटेड होते हैं या फिर ओपन सिस्टम से, आइसोलेटेड के वेरी रेयर होते हैं, बट तीनों क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव, राइट। इंटेंसिव में इन वर्ड आ रहा है और इंडिपेंडेंट में भी इन आता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, राइट। अब आप कैसे पहचानेंगे, कोई अननोन क्वांटिटी दे दिया कि वो इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव, तो रफी सर का ट्रिक वेरी सिंपल, पांच तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला कि जो भी गिवन है उसको कट या डिवाइड कर दो, दो पार्ट में। अगर कट या डिवाइड करने पे अगर वो चेंज हो रहा है तो एक्सटेंसिव, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटेंसिव। जैसे ये मार्कर का मास, तो अभी मान लो 2 ग्राम है, इसको मैं कट कर दूं तो 1-1 ग्राम हो जाएगा, चेंज हो गया तो मास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। लेकिन टेम्परेचर, तो अभी मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, कट कर दूं तो भी दोनों पार्ट का 25 ही रहेगा, राइट, तो चेंज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो पहला ऐसे आप पता कर सकते हैं। दूसरा, जिसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहे तो वो इंटेंसिव होगा। जैसे अगेन वही टेम्परेचर, अगर इस मार्कर का टेम्परेचर 25 है और मेरे इस हैंड का 30 है सपोज करो, तो दोनों को मैं अगर अटैच कर दूं तो ऐसा नहीं है कि 55 हो जाएगा, राइट। डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे तो इंटेंसिव, डायरेक्टली अगर ऐड कर देंगे तो एक्सटेंसिव। जैसे इस मार्कर का मास 2 ग्राम, दूसरा मार्कर उसका मास 3 ग्राम, दोनों को अटैच कर देंगे तो कितना बोलते हो, 5 ग्राम, तो ऐड कर पा रहे हैं तो ऐड कर पाएंगे डायरेक्टली तो एक्सटेंसिव, राइट। तीसरा कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर वर्ड अगर लगा दे पहले या स्पेसिफिक वर्ड लगा दे तो वो फिर इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हीट कैपेसिटी, तो ये एक एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वर्ड लगा दिया तो इंटेंसिव हो जाएगा। तो किसी भी अगर क्वांटिटी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग गया है, यानी पर यूनिट मास अगर वो हो गया है तो इंटेंसिव हो जाएगा, या फिर रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे डेंसिटी, तो क्या होता है वो, मास बाय वॉल्यूम, मास आपका एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, राइट, क्योंकि वॉल्यूम को भी मान लो इसका वॉल्यूम अगर 2 ml है, कट कर दूंगा तो 1 ml हो जाएगा, राइट, चेंज हो रहा है, तो दोनों ही एक्सटेंसिव है, लेकिन इसका रेशियो, दैट इज डेंसिटी, ये क्या है, इंटेंसिव है। तो इसलिए ये पॉइंट का ये मतलब है कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। और लास्टली, अगर किसी के लास्ट में ity वर्ड लगा हुआ है, जैसे देखो डेंसिटी में ity, तो वो फिर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो ये 5 पॉइंट है ट्रिक के बेटा, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, बिजली पहचान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटेंसिव में मोलर हीट कैपेसिटी, तो वही मैं बताया, हीट कैपेसिटी सिर्फ बोलता तो एक्सटेंसिव में आता, लेकिन मोलर वर्ड लगा दिया इसलिए क्या हो गया, इंटेंसिव। मोलारिटी, देखो ity वर्ड लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, राइट। ई नॉट सेल, EMF ऑफ द सेल, ये भी आपका इंटेंसिव। देखो मास का आगे मोलर वर्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। कंडक्टिविटी, ity वर्ड लगा हुआ है, अगेन इंटेंसिव। प्रेशर, इंटेंसिव। टेम्परेचर, अभी समझाया कि अगर मैं कट कर दूं तो भी दोनों पार्ट का टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है, तो बस ये 5 पॉइंट से इजीली पहचान लोगे। तो इंटेंसिव, डेंसिटी, ity वर्ड लग गया तो इंटेंसिव, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन, ऐसा मैं भर सकता हूँ, राइट। तो आपको एक आइडिया दे दिया हूँ। सिमिलरली एक्सटेंसिव, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया, हीट कैपेसिटी,
गिब्स फ्री एनर्जी, ध्यान देना गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी तो फिर इंटेंसिव। जैसे इंथैल्पी तो यहाँ पे आएगा राइट, डेल्टा एच इंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव है, मोलर इंथैल्पी तो इंटेंसिव, क्योंकि बता दें आपको मोलर वर्ड अगर लगा दें तो फिर वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही मोल, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एटसेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे एक्सटेंसिव। तो आई होप मेरे स्ट्रिक से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं 4, 5, 10 दे देंगे और इंटीजर टाइप में पूछ ले जाते हैं मेंस में, या फिर चार ऑप्शन करके विच इज एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपका क्वेश्चन अब रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है लाइक डिस्प्लेसमेंट, जबकि पाथ फंक्शन पाथ पे भी डिपेंड करेगा लाइक डिस्टेंस, जो फिजिक्स में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही थिंक करना है। तो पॉइंट का इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट और हक्स वर्ड से आप याद रख सकते हो, पीवीटी प्राइवेट हक्स, तो ये सब स्टेट फंक्शन है, डैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये थर्मोडायनेमिक हैं, यही आपका स्टेट फंक्शन है। इसलिए इसमें आप डेल्टा वर्ड अप्लाई कर सकते हो, बट ध्यान रहे अगर चेंज की बात करेंगे जैसे डेल्टा टी फॉर एग्जांपल, तो ये एक फंक्शन नहीं है, सिर्फ टी इज ए फंक्शन राइट। वैसे डेल्टा एच फंक्शन नहीं है, एच सिर्फ फंक्शन है, इंथैल्पी चेंज फंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जनरली जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। और डेल्टा एच डेल्टा यू जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो होगा अगर प्रोसेस आपका साइक्लिक होगा तो, क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया फिर घूम फिर करके वहीं पर आ गए राइट, तभी एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, इसलिए चेंज उसका जीरो रहेगा। पाथ फंक्शन में दो ही हैं, एक हीट है और एक वर्क है राइट, इसलिए इसमें आप डेल्टा वर्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा राइट। और स्मॉल लेटर से इसको दिखाते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। दीज आर द सम बेसिक पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। आइसो थर्मल वर्ड, कहीं पे भी आइसो वर्ड केमिस्ट्री में आया उसका मतलब होता है सेम राइट। थर्म में थर्म हीटिंग का सेंस आ रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, इसलिए डेल्टा टी जीरो होगा या स्मॉल चेंज डी टी जीरो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये कर्व है तो इस कर्व पे मैं कोई भी पॉइंट लूँ वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया 200 केल्विन फिक्स, तभी इसको आइसोथर्मल कर्व बोलेंगे राइट। सिमिलरली इस कर्व पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो ये 300 केल्विन होगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, बट इन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए आइसोथर्मल में कुछ बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि हर चीज़ का सेम रहेगा, नहीं, किसी एक कर्व पे सब पॉइंट का सेम रहेगा, लेकिन कर्व डिफरेंट करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, फिर उस कर्व पे सबका सेम रहेगा, तो आइसोथर्मल में ये ध्यान रखना है। और वैसे हम पढ़ेंगे आगे चल करके आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी जीरो होता है फॉर आइडियल गैस, ध्यान देना फॉर आइडियल गैस ओनली। आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी जीरो या डी वी जीरो, इस केस में वर्क भी जीरो हो जाएगा, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। आपको कभी कभी आइसोकोरिक वर्ड ना लिख करके रिजिड कंटेनर वर्ड कहीं पे लिख दिया तो समझ जाना कि वो आइसोकोरिक बोलना चाह रहा है, तो बस इसी पॉइंट सब पे मैं आपको कंसंट्रेट करवाना चाह रहा हूँ कि आइसोथर्मल तो यहाँ पे लिख करके दे देगा, यहाँ पे आइसोकोरिक ना लिख करके रिजिड वर्ड लिख दिया तो आपको समझ जाना कि आइसोकोरिक है। फिर वो आइसोबारिक, बार वर्ड आ रहा है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा पी जीरो या डी पी जीरो, ये कैसे बोल सकता है ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो फिक्स है तो प्रेशर कांस्टेंट राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, हीट जीरो नहीं, हीट कांस्टेंट होता है, चेंज इन हीट जीरो होगा, ये ध्यान रखना। अब इसको भी तीन वर्ड से वो यूज कर सकता है, इंसुलेटेड वर्ड कहीं पे लिख दिया मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोएंट्रोपिक लिख दिया मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, या फिर थर्मोफ्लास्क वगैरह से प्रॉब्लम आ रहा है मतलब एडियाबेटिक है, तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट वे में बोलना चाह रहा है, डायरेक्ट वो नहीं बोलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये सब वर्ड भी यूज कर सकता है। और लास्टली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, डैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, इसलिए उसमें जो स्टेट फंक्शन वाले होंगे उन सब का चेंज जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी को गया, बी से सी, सी से ए, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया, ध्यान से देखो, तो ये
एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। ध्यान दे, ऐसे साइक्लिक नहीं होगा, ए से बी गया, बी से सी गया और ए से फिर सी आया, ये साइक्लिक नहीं हुआ। साइक्लिक मतलब एक चला और एक आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में फिर से वहीं पे पहुंच गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में मिनिमम 3 प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा, देख सकते हो ए से बी, बी से सी और सी से ए, 3 प्रोसेस मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। और इस केस में स्टेट फंक्शन का चेंज 0 रहेगा, पाथ फंक्शन का 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आई होप ये पॉइंट सब आपको क्लियर होंगे। एंड नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हो सकते हैं वो दो टाइप की, एक को बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो डायरेक्ट ये वर्ड आपको लिख करके नहीं देगा एग्जाम में, और कैसे दे सकता है, स्लो प्रोसेस वर्ड अगर यूज कर दिया। तो इसलिए सब पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, इसलिए मैंने ये लिया है, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है। स्लो प्रोसेस बोला मतलब रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है, इमेजिनरी प्रोसेस बोला तो भी रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो और इन सब पॉइंट से कुछ पता ना लगे तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना। एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, ऐसा वर्ड यूज कर दे कि एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है तो भी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जो ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस होगा ऑब्वियस बात है वो वेरी वेरी लेस होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। इसका एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, डैट मीन्स आपको कोई भी ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, राइट। तो ये हम रिवर्सल प्रोसेस का ही बना सकते हैं। सिमिलरली इन्फाइनाइट स्टेप में हो रही है रिएक्शन, ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो ये सब रिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। सिमिलरली इरिवर्सिबल कैसे पहचानोगे, फास्ट प्रोसेस बोल दिया, इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस तो इरिवर्सिबल बोलना चाह रहा है। रियल या नेचुरल प्रोसेस है तो भी इरिवर्सिबल है, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर कहीं पे भी यूज कर दिया कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर हो रहा है तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, राइट। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, डेट मीन्स इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ आना है तो जैसे एक डॉट कर कर के ऐसे, क्योंकि आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में मालूम होता है, जबकि कंटिन्यूअस या रिवर्सल प्रोसेस में हर एक पॉइंट के बारे में आपको मालूम होता है क्या हुआ है, राइट। हर एक पॉइंट के बारे में मालूम होता है, बट इसमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में मालूम होता है, इसलिए इसका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा, आप डायरेक्टली ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। और कैसे आपको पहचानवा सकता है, फाइनाइट स्टेप में हो रही है, तो अगर फाइनाइट स्टेप में हो रही है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका बेसिक फर्क कहाँ पे पड़ता है, ये देखो स्टेट फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टेट फंक्शन में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चाहे वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन जो पाथ फंक्शन है, डेट इज हीट एंड वर्क, यहीं पर दिक्कत होती है। हीट एंड वर्क में रिवर्सिबल में अलग फार्मूला आएगा, इरिवर्सिबल में अलग फार्मूला आएगा, इररेस्पेक्टिव कि ये दोनों फिर डिपेंड ना करे स्टेट फंक्शन पे। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब जो हमारे पास टोटल 6 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, हीट, वर्क, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इनका मैं अलग अलग कैलकुलेशन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे करते हैं वो बताऊँगा। थैंक यू।